प्रिय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल भोजन हो तो ऐसा में। दोस्तों, आज के इस रेसिपी वीडियो में मैं आप सभी को अरबी के पत्ता के सब्जी बनाने के बारे में बताने जा रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरे द्वारा बताई गई विधि अच्छे लगेगी। दोस्तों, इस विधि को अच्छी तरह से समझने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से ज़रूर देखें। तो आए देखते हैं अरबी के पत्ता के सब्जी बनाने के लिए क्या क्या सामग्री की ज़रूरत पड़ती है। सामग्री के रूप में यहाँ लेते हैं, सबसे पहले अरबी के पत्ता, ताज़ा पत्ता ले लें, फूला हुआ कच्चा चावल, क्योंकि इसे हमें पेस्ट बनाना पड़ेगा, तो अरबी का ताज़ा पत्ता और कच्चा चावल। नेक्स्ट, मसाले के रूप में हम यहाँ पर यूज करेंगे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, सरसों, नमक, सरसों तेल और लहसुन के कुछ कलियाँ। ये हो गए आपको अरबी पत्ता के सब्जी बनाने के लिए सामग्री। अभी आगे करवाई इस तरह से देखें और करें। यहाँ पर देखें, जो कच्चा चावल फूला हुआ था उसे हम मिक्सी जार में ले लिया, इसे हम पेस्ट बनाएंगे और इसके अंदर जो कलियाँ लहसुन की इसमें डाल देते हैं। इस चावल के साथ ही इसे हम पेस्ट बनाएंगे। अभी हम चलते हैं, इसे पेस्ट बना लेते हैं। यहाँ पर देखें, जो पेस्ट बनाया था इस तरह से पेस्ट बना ले। पेस्ट को पतला नहीं कीजिएगा, इस तरह से मैंने पेस्ट बना लिया। अभी ये आगे करवाई इस तरह से देख लें। इसके अंदर नमक डाल लें स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जो भी मसाला लिया था इसमें डाल दिया और मिर्ची पाउडर भी यहाँ डाल लें। आप जिस अनुसार से मिर्ची खाते हैं थोड़ा सा टेस्ट बढ़ाने के लिए काली मिर्च, गरम मसाला भी डाल दिया और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। पेस्ट और मसाले को अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अभी इस तरह से करें। यहाँ पर देखें, जो पत्ता था उसके पीछे साइड में देखिएगा डंठल टाइप का, उसे अगर मोटा डंठल हो तो इसे निकाल दें, अगर नहीं है तो नहीं भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए, इसमें नहीं था तो उसमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर है, इसका डंठल को चाकू के सहारे ये रेशा भी इसे निकल जाएगा। इस तरह से बारी बारी सभी पत्ते को निकाल लें। ध्यान रखेंगे इस पत्ता को ऊपर वाला होना चाहिए, कोमल होना चाहिए, तो ही बहुत ज़्यादा ही टेस्टी और अच्छा बनेगा। नेक्स्ट स्टेप में देखें, जो रेशा निकला हुआ पत्ता है उसके ऊपर चावल और मसाले का जो मिक्स पेस्ट था इसके ऊपर अच्छी तरह से लगा लें। इस तरह से एक पत्ते के ऊपर अच्छी तरह से पेस्ट को लगा लिया। नेक्स्ट में इसी के ऊपर दूसरे पत्ते को भी रख देंगे और दूसरे के पत्ते के ऊपर भी यहाँ पर पेस्ट जो है कि अच्छी तरह से लगा लें। जैसे पहले पत्ते पर लगाए थे उसी तरह इस पत्ते के ऊपर भी लगाएंगे। नेक्स्ट इसी के ऊपर दूसरे पत्ते को भी हम डाल करके उसके ऊपर भी पेस्ट को अच्छी तरह से लगा लें, अर्थात एक के ऊपर एक पत्ते को रखते जाएंगे, उसके ऊपर पेस्ट को लगाते जाएंगे। इस तरह यहाँ पर हम चार पत्ते का लेयर बनाया। ज़्यादा मोटा लेयर ना बनाएंगे ताकि पकने में दिक्कत हो जाएगा, अच्छी तरह से पकेगा नहीं। यहाँ पर जैसे मैं चार पत्ते का लेयर बनाया और इस तरह से आप गोल फोल्ड में राउंड करें, इस तरह से राउंड कर लें। यहाँ पर देखें, ये गोल हो गया और इसके ऊपर भी पेस्ट को लगाएंगे
इस तरह से यहाँ पर देख लें, चार पत्ते का लेयर बनाया था उसे गोल राउंड के ऊपर में सेव कर लें, इस तरह से सेव दे दें और उसके ऊपर भी मसाले लगा लें। आज नेक्स्ट स्टेप में इस तरह से करें। नेक्स्ट स्टेप में देखें, बर्तन को आप गैस के ऊपर या किसी भी चूल्हे के ऊपर रख करके हीट दें और पानी को बॉयल करें। बर्तन में पानी ले लें और इसे अच्छी तरह से बॉयल होने दें। यहाँ पर देखें पानी बिल्कुल गर्म हो गया है, बॉयल होने लगा है, शुरू हो गया है बॉयल होने में, बॉयल होना शुरू हो गया है। अभी हम इसके बीच में जो अरबी पत्ते में कच्चा चावल का पेस्ट लगाए थे इसके बीच में डाल देंगे, ठीक है। अभी आप डायरेक्ट पानी में डालने से जो पेस्ट लगा हुआ है लेप पानी में निकल जाने का डर होगा, इसलिए इसे किसी यहाँ पर हम छन्ना में रख करके इसे पानी में डाल दिया हूँ। अगर छन्ना ना हो तो किसी भी जलदार चीज में आप रखें ताकि उसके नीचे से हीट लग सके, पानी का इफेक्ट जो है इसके ऊपर आ सके। ऐसे करने के बाद में हम इसे किसी बर्तन के सहारे ढक देंगे। यहाँ पर देखें लगभग 3 से 4 मिनट पकने दिया, अभी यहाँ पर पक गया है। अभी नेक्स्ट कार्रवाई इस तरह से करें, अभी यहाँ से निकाल लें और इसे ठंडा होने दें। यहाँ पर हम निकाल दिया हूँ और ठंडा होने के लिए कुछ देर छोड़ देता हूँ। अभी यहाँ पर देखें बिल्कुल ठंडा हो गया है, अब इसे छोटे छोटे पीस में इस तरह से काट दें। आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, ठंडा होने के बाद ही काटें जिससे आपको पीस अच्छी तरह से बन जाएगा, अच्छी तरह से कट जाएगा। यहाँ पर देखें पीस छोटा छोटा कर दिया हूँ, इसी तरह से बना लें और इसे हम आगे नेक्स्ट स्टेप आपको बताने जा रहा हूँ। नेक्स्ट और फाइनल स्टेप में देखें, दोबारा से बर्तन को आप गर्म करें तलने के लिए, जिसमें आप तल सकें। यहाँ पर कढ़ाई लिया हूँ, कढ़ाई गर्म हो गया है, अब इसमें हम सरसों तेल जो लिया था सरसों तेल डाल दिया हूँ और इसके बीच में तेल गर्म हो गया है। तेल गर्म होने के बाद में इसमें राई दाना डाल दें, इसे थोड़ा जलने दें। जिस तरह से दूसरे फोरन के रूप में यूज करते हैं उस तरह से यहाँ पर करें। यहाँ पर देखें जल गया है, अब इसके बीच में इसे डाल करके तलेंगे, इस तरह से फ्राई करने दें, कर लें अच्छी तरह से फ्राई होने दें। एक साइड होने के बाद में दूसरे साइड भी अलग करके पकने दें, तलने दें। यहाँ पर देखें तल करके बिल्कुल तैयार हो गया है, अब इसे हम निकाल देंगे। यह आपका सूखा सब्जी बिल्कुल ही तैयार हो गया, यहाँ पर देखें निकाल दिया इस तरह से। यहाँ पर देखें तल करके बिल्कुल तैयार हो गया, यह आपका अरबी पत्ता का सूखा सब्जी बन गया। दोस्तों अभी हम यहाँ से आपको आगे इसी सूखा सब्जी को तरीदार सब्जी बनाने के बारे में बताने जा रहा हूँ। मैं उम्मीद करूँगा कि तरीदार सब्जी बनाने के लिए भी आप इसे आगे तक और लास्ट तक देखते रहेंगे। तो आइए देखते हैं आगे। तरीदार सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले आप इस तरह से बारीक कटा हुआ प्याज और टमाटर ले लें और मसाला के रूप में जो मैंने पहले यूज किया था, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, नमक, यहाँ पर फिर से लेंगे और यूज करेंगे। आगे आप देख जिसमें फ्राई किया गया था उसी बर्तन में दोबारा से सरसों तेल लेकर के फोरन के रूप में यहाँ पर जीरा डाल दिया और बिल्कुल चुटकी भर राई दाना, तेज पत्ता और लाल मिर्च। जब फोरन जल जाए इसमें मैंने कटा हुआ प्याज डाला। इस तरह से आप कटा हुआ प्याज डालें और इसे तले। यहाँ पर देखें हल्का तल गया है, अब इसके बीच में
टमाटर जो बारीक कटा हुआ था डाल करके अच्छी तरह से मिक्स करें। ध्यान रखें इससे पहले जो डिश बनाया गया था बताया गया था जिस तरह से उसमें मसाले को तैयार किया गया था उसी तरह से यहाँ भी तैयार किया जा रहा है और उसी तरह से तैयार करें। यहाँ पर देखें दोनों मिक्स करने के बाद में हाथ तलने के बाद इसमें अभी मसाले डालेंगे। मसाले के रूप में यहाँ हल्दी पाउडर यूज किया और ये धनिया पाउडर, हल्का लाल मिर्च, सभी अपने अपने स्वाद के अनुसार डालें अपने हिसाब से। और इसे मसाले के भी थोड़ा पकने देते हैं। अब यहाँ पर नमक भी आप अपना टेस्ट के अनुसार स्वाद अनुसार डालें और अच्छी तरह से मिक्स करें और पकने दें। अब यहाँ पर देखें मसाला तैयार हो गया है। आपको पहले ही बताया गया था जब मसाले से तेल निकलने लगता है हल्का चिकना हो जाता है कढ़ाई में नहीं चिपकता है तो मसाला पक कर के तैयार माना जाता है और पक जाता है। यहाँ पर ये मसाला तैयार हो गया है और अभी इसके बीच में पानी डालेंगे। आपको जितना मसाला हो उसी अनुसार पानी डालें, ज़्यादा पतला ना करें। अब इसे हल्का बॉयल होने देते हैं। जब ये बॉयल हो जाएगा तो इसके बीच में जो फ्राई किया हुआ अपना डिश था अरबी पत्ता का जो सूखा हुआ सब्जी बताए थे पहले वो इसमें डालेंगे। यहाँ पर देखें पानी डालने के बाद भी एक दो मिनट पकने पक गया है, पककर पे तैयार हो गया। अब इसके बीच में जो मैंने बताया था डिश डालने के लिए अरबी पत्ता का तला हुआ इसके बीच डाल दें। प्रिय दोस्तों आपने देखा इस तरह से अरबी पत्ता का सूखा सब्जी और तरीदार सब्जी आपको दोनों यहाँ पर दिखा रहा हूँ और किस तरह से बनाया गया ये भी आपको दोनों को डिटेल में बता दिया गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा बताया गया तरीका आप लोगों को पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर पसंद आया तो ज़रूर से ज़रूर इसे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर से ज़रूर करें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में यहीं पर समाप्त करता हूँ। ओके थैंक्स।